अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबके। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, हम सब भी ठीक ठाक हैं, खैरियत से। आज मैं जो आपसे रेसिपी शेयर कर रही हूँ ये है काली दाल की, और ये मैंने भिगो के रख दी थी काली दाल 2 घंटे। और उसमें जो चीज़ें जाएंगी वो ये मैंने ली हैं, ग्रीन चिलीज ली हैं, अदरक लिया है, लहसुन लिया है, प्याज ली है मैंने, और ये इमली जो है भीगी हुई है, ये पिसी हुई लाल मिर्च है, धनिया है सूखा, आपके पास पिसा हुआ धनिया हो तो वो भी चलेगा। मेरे पास अभी इतने से था नहीं, तो मैं वैसे ज़्यादा यूज़ जो करती हूँ वो साबुत धनिया जो है वो यूज़ करती हूँ मैं, इसको फ्रेश फ्रेश जो है ग्राइंड करती हूँ। और हल्दी ली है मैंने इसके लिए, और ये जो है ये है सूखा पुदीना। मैं पुदीना जो है वो सुखा लेती हूँ, और फिर जब मैं कोई पुलाव वगैरह बनाती हूँ या फिर कोई ऐसी डिश होती है जिसमें पुदीना जाता है तो मैं इसमें ये फ्रेश नहीं होता, तो मैं ये वाला सूखा हुआ जो है पुदीना डालती हूँ। इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है, पुलाव वगैरह में भी आप जो है कभी डाल के देखिएगा, बहुत अच्छी है ना इसकी खुशबू आएगी। और ये जो है सूखा पुदीना मैंने लिया है। अच्छा, इसका जो स्टेप जो है, अच्छा भाई, ये जो है हरी मिर्चें और ये अदरक लहसुन और ये इमली का, ये सब का मैं पेस्ट बना लूँगी। उसके बाद जब मैं दाल जो है वो पकाने के लिए रखूँगी तो इसमें ये पेस्ट ही सारा डाल दूँगी। प्याज जाएगी इसमें, और हरी मिर्च, लहसुन, अदरक और इमली, ये सब मैं इसको ग्राइंड करूँगी, और ग्राइंड करके उसमें जाएगा। मैं भी आपको इसका सेकेंड स्टेप दिखाती हूँ। अच्छा देखिए, मैंने दाल जो है ये रख दी है पकाने के लिए, और इसमें मैंने जो है प्याज डाल दी है, और पानी भी मैंने थोड़ा कम ही रखा है क्योंकि ये जो है थोड़ा फूलेगी तो फिर मैं इसकी जो है घुटाई करूँगी, जब ये अच्छे से घुट जाएगी तो उसके बाद फिर मैं इसमें थोड़ा सा पानी जो है शामिल करूँगी, क्योंकि फूलती है ना, तो इस वजह से इसमें जो है थोड़े पानी भी ऐड किया है। जब ये थोड़ी सी फूल जाएगी तो उसके बाद मैं इसको घोटूँगी, जब घोटने के बाद फिर मैं इसके अंदर पानी शामिल करूँगी। अच्छा, ये मैंने लहसुन, अदरक और जो हरी मिर्च का जो ग्राइंड किया था पेस्ट बनाया है ये मैंने इसमें डाल दिया है, और इसके बाद मैं अभी मसाले डालती हूँ। अच्छा, ये पुदीना जो है मैं इसको क्रश करके इस तरह से डाल रही हूँ, और मसाले जो हैं ये मैंने आपको जो दिखाए थे, धनिया, हल्दी और पिसी लाल मिर्च और नमक, अभी मैं थोड़ी देर में शामिल करूँगी। बस ये सब चीज़ें डाल के हम इसको जो है हल्की आंच पे थोड़ी देर के लिए रख देंगे, जब ये दाल थोड़ी सी फूल जाएगी उसके बाद फिर जो है मैं इसकी घोटाई करूँगी। अच्छा देखें, इसके साथ ही मैं ये इमली का जो पल्प था ये भी डाल दिया मैंने, और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लूँगी मैं। उसके बाद हल्की आंच पे इसको रख दूँगी। बहुत अच्छी बनती है, बहुत मज़े की दाल बनती है ये, और मेरी तो बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है ये, मेरे हस्बैंड की भी बहुत फेवरेट है ये, मेरी अम्मी की रेसिपी है, मेरी अम्मी इस तरह से बनाती हैं, और मेरी अम्मी बहुत ही मज़े की बनाती हैं। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और आप लोग को बहुत अच्छी लगेगी, बहुत ईजी सिंपल सी रेसिपी है ये, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बस अब मैं इसको अभी दम पे रख दूँगी। ये देखिए जैसे हो गई है दाल, भूल गई ना ये, अब मैं इसको जो है घोट लूँगी, उसके बाद फिर मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। मैं इसको जो है वीडियो ऑफ करके अभी आपको दिखाती हूँ इसको घोट के, क्योंकि मुझसे एक हाथ से किया नहीं जा रहा, मैं वीडियो बना रही ना इसलिए। यहाँ देखिए अच्छे से ना ये दाल मैंने घोट लिए, और मैंने पानी भी इसमें ऐड कर दिया था जितना मुझे रखना था इसको, आप अपनी मर्ज़ी से इसमें जो है गाढ़ा जितना रखनी है, इतनी पतली रखनी है, वैसे ये जो है ठंडी होती है और गाढ़ी होती है, तो आप उस हिसाब से है ना इसमें पानी डाल दीजिएगा। अच्छा, मैंने जो है इसमें बॉईल करके पानी डाला है, नीम गर्म पानी जैसे हो, ये देखिए माशाल्लाह अच्छे से मैंने इसको घोट लिया। अगर जैसे आपको घोटने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप इसको जो है ग्राइंडर में जो है डाल के वो भी थोड़ा सा ब्लेंड कर सकते हैं, और जो इसको आप जो है ब्लेंडर में डाल के इसको ब्लेंड भी कर सकते हैं, तो उससे भी अच्छी घुट जाएगी थोड़ी सी, अगर जैसे हाथ से ना सही नहीं घुट रही है, थोड़ी सी आपसे प्रॉब्लम हो रही है घोटने में, तो इसको जो है ब्लेंडर में डालें, और थोड़ी सी डालिएगा, जैसे हाफ़ ले लिया आपने, हाफ आपने ब्लेंडर में डाल दी, हाफ जो है आप थोड़ा हाथ से ही करें, उसके बाद जो है घोट लें, और उसके बाद मिक्स भी कर सकते हैं, दोनों को एक जान हो जाएगी फिर वो। अच्छा,
अच्छा ये मैंने ले लिया है तड़के का सामान ले लिया है। इसमें जाएगी अनियन, जाएगी ग्रीन चिलीज, रेड चिलीज और लहसुन है, और ये ज़ीरा है। इन सब का मैं तड़का लगाऊंगी। तड़के का मैंने सामान रेडी कर लिया क्योंकि ना दाल जो है ऑलमोस्ट हो चुकी है। अच्छा मैंने नमक ऐड नहीं किया था अभी दाल में, तो मैं अब नमक जो है इसको ऐड कर लूँगी। यहाँ मैं नमक ऐड कर लेती हूँ क्योंकि मैंने जो है स्टार्ट में किया नहीं था, नमक ऐड बिल्कुल भी नहीं डाला था। बस मैं अब डाल रही हूँ इस स्टेज पे, जब दाल जो है बिल्कुल तैयार होने पर आ गई है। अब मैं इस पर तड़का लगाऊंगी थोड़ी देर में। अच्छा मैंने गूंदने के बाद जो पानी डाला है, अब मैं इसको जो है मज़ीद 20 मिनट तक और दम पे रखूँगी, उसके बाद फिर मैं इसमें तड़का लगाऊँगी। अभी पानी डाले हुए मुझे 10 मिनट तो हो गए हैं, वैसे 20 मिनट मैं इसको और पकाऊँगी, उसके बाद फिर मैं इसमें तड़का लगाऊँगी। यहाँ मेरी दाल रेडी हो गई है देखें, और अब मैं इसमें तड़का लगा रही हूँ। तड़के के लिए जो मैंने चीज़ें अभी आपको बताई थी, प्याज लिया, हरी मिर्चें हैं और लहसुन है, रेड चिलीज हैं और ज़ीरा। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छी लगेगी आपको ये रेसिपी। बहुत सिंपल है, बहुत मज़े की है। मैं सब चीज़ें एक साथ डाल के जो है इसको पकाती हूँ। इसे स्टार्टिंग में मैंने सब कुछ एक साथ ही डाल दिया था, लाइक मैंने जो है सब पुदीना भी और इमली का पल्प भी सब कुछ मैंने स्टार्ट में एक साथ ही डाल दिया था। एक साथ ही मैंने सब कुछ डाल के पकाया था। उसके बाद जब वो ना पक गई थी, फूल गई थी, तो फिर मैंने उसको जो है घोट लिया था। घोटने के बाद मैंने उसमें अंदर पानी ऐड कर लिया था। पानी ऐड करने के बाद जो है मैंने उसको आधे घंटे तक और मज़ीद पकाया था। उसके बाद बस अब मैं इसमें तड़का लगाऊंगी। रेडी हो गई है दाल वो, अभी मैं इसका आपको फाइनल लुक दिखाऊंगी। मैंने अभी लहसुन डाला है थोड़ी सी, जैसे प्याज हो ब्राउन सी होने लगी तो फिर मैंने लहसुन डाल दिया। वन बाय वन डालेंगे वरना सब जो है वो एक साथ हो जाएगा, जल जाएगा, इसलिए मैंने एक साथ सब कुछ नहीं डाला है, वन बाय वन मैं डालूँगी। लहसुन डालने के बाद मैं अब इसमें ज़ीरा, ग्रीन चिलीज एंड रेड चिलीज डाल दूँगी। बहुत अच्छी है ना खुशबू आ रही थी दाल में से, बहुत ही मज़े की। गर्मी में तो ऐसी डिशेस अच्छी लगती हैं बहुत, और सबका अपना अपना तरीका है बनाने का। ये मेरा तरीका है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ पे जो है फॉइल की छींटे आ रही हैं, बस मैं अभी आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये पार्ट जो होता है ना सीजनिंग वाला, बड़ा अच्छा लगता है मुझे, इसका जो साउंड होता है। माशाल्लाह माशाल्लाह दाल जो है बिल्कुल रेडी हो गई है, और बहुत ही मज़े की मैंने इसको टेस्ट करी है, बहुत मज़े की लग रही है। आप लोग जो है ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड फैमिली में अपने फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर कीजिएगा प्लीज़। आप सब लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और फिर इसके बाद मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। इसके पीछे मेहनत बहुत होती है, ये आधे घंटे का काम होता है, ये आधे घंटे एक घंटे का काम है खाना बनाना, बट वीडियो के चक्कर में बहुत देर लग जाती है। तो प्लीज़ ज़रूर इसको जो है शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप लोग न्यू हैं इस चैनल में तो प्लीज़ सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।